अगर दोस्तों आप भी अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट को फ्री में कैसे ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या लगता है, कैसे ओपन करते हैं, सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है अप स्टॉक, जो कि दोस्तों आप अप स्टॉक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चार्जेस देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो अप स्टॉक सर्च करके इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि मैंने पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इसका इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे साइन अप करना, ठीक है, क्योंकि मुझे आईडी न्यू बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं आप स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना, ठीक है, जो भी आप अपना डीमैट अकाउंट बनाने में मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, तो वो मोबाइल नंबर डालेंगे। और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर यहाँ पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि ओटीपी ऑटोमेटिक से यहाँ पे वेरीफाई हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट योर ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी आप अपना डीमैट अकाउंट में ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जो गूगल विथ कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल होगा, जितने भी ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन होगा, वो सारा ईमेल आ जाएगा, जो भी आप ईमेल यहाँ पे जो है आईडी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए यानी आप स्टॉक में देना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक से ये वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पे देख लिखा हुआ कंप्लीट योर केवाईसी इन अंडर फ्यू मिनट्स टू गेट स्टार्टेड, यानी आपको जो है फ्यू मिनट के अंदर आपको यहाँ पे केवाईसी कर लेना, उसके बाद आपका यहाँ पे अप स्टॉक का अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना है, ठीक है, जीरो अकाउंट ओपनिंग फी भी आपको लगता है, और यहाँ पे जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड एन एफ आई एफ ओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट योर केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आपका यहाँ पे अप स्टॉक का केवाईसी होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस ले रहा है, उसके बाद यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है शेयर ए बिट अबाउट योर सेल्फ, तो आपको यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे डिटेल वगैरह फिल करके आप अपना यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करके आपका यहाँ पे कितना साल का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि एक से दो, दो से पाँच ईयर, पाँच से दस ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाल देना है अपने अनुसार से। तो मुझे यहाँ पे मैं लेस देन वन ईयर में डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे योर एनुअल इनकम आपका कितना है, सिलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे डाल देना आपका इनकम, जो भी एनुअल इनकम होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे है ऑप्शन ब्लॉक 1 लाख, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 25 लाख, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे इनकम जो 1 लाख से नीचे है तो यहाँ पे ब्लॉक 1 लाख के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर वही इनकम आपका यहाँ पे जो है 1 से 5 के बीच में, तो वो आप यहाँ पे अपने अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है योर एक्यूपेशन, यानी आप करते क्या है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है, हाउस वाइफ है, रिटायर्ड है, स्टूडेंट है और अदर है। तो आप इसमें से जो भी है आप अपने अनुसार से यहाँ पे सिलेक्ट करें, जैसे कि मैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना, आप जो भी जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो आप मैं अपने अनुसार से यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप मैरिड है या अनमैरिड है वो अपने अनुसार से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेयर ए बिट अबाउट योर सेल्फ के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है, जो कि यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर योर अप स्टॉक अकाउंट, यानी अप स्टॉक की तरफ से यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देना जो भी आपने यहाँ पे डाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे योर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर करने का, यानी डिजिटल आप सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉ सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना, जो भी आप यहाँ पे सिग्नेचर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते, तो
आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देना, आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर होगा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, ईयर वगैरह जो भी होगा यहाँ से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका यहाँ पे नाम और फादर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे सारा कुछ डिटेल वगैरह सही आता है नाम और फादर्स नेम, तो आप यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नहीं आता तो यहाँ पे चेंज पैन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दोबारा सबको डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सही आता है तो यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एड्रेस भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस मिला लेना, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कुछ डिफरेंट एड्रेस है तो यहाँ पे यूज ए डिफरेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप अपना एड्रेस मैनुअली रूप से डाल सकते हैं। तो मेरा ये जो एड्रेस है ये यही एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है लेट्स ए टेक ए सेल्फी यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सेल्फी देना है जिसके लिए आपको यहाँ पे अलाउ कर देना, ठीक है। सेल्फी लेने के लिए आपको यहाँ पे जो चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपके सर पे टोपी भी नहीं लाना चाहिए, आपका यहाँ पे टोपी अगर चश्मा लगाए तो उसको यहाँ पे उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पे टेक ए फोटो के ऊपर क्लिक करके आप अपना यहाँ पे सेल्फी ले लेंगे। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पे प्रोसेस लेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका, तो आपको यहाँ पे प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना बैंक अकाउंट लिंक करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे UPI ID यहाँ पे जो है लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे UPI ID भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आपको यहाँ पे जो है ऐड डिटेल मैनुअली के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट SC कोड वगैरह डाल लेना, ठीक है। अगर आप वही जो है UPI ID डालना चाहते हैं तो आप ऊपर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई विथ UPI फर्स्ट है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप अपना UPI ID भी डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है, तो यहाँ पे मैंने ऐड डिटेल मैनुअली के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, ठीक, जो भी आप अपना अकाउंट नंबर डालना चाहते हैं इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। साथ ही साथ आपको नीचे पे री एंटर द अकाउंट नंबर, यानी ऊपर में जो भी अकाउंट नंबर आपने डाला है सेम उसी प्रकार से आपको नीचे भी अकाउंट नंबर डाल के कन्फर्म कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड डाल देना है, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड होगा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट में क्या नाम है, यानी फुल नेम आपका जो भी होगा अकाउंट में वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट बैंक अकाउंट टाइप, यानी आपका बैंक अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग का है तो यहाँ पे सेविंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट करंट का है तो यहाँ पे करंट सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा यहाँ पे सेविंग का है तो यहाँ पे मैंने सेविंग सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो सारा कुछ डिटेल वगैरह फिल करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वेरीफाई करेगा अप स्टॉक की तरफ से, यानी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पर आपके अकाउंट पे जो है 1 रुपया यहाँ पे जमा हो जाएगा, जो है अप स्टॉक की तरफ से यहाँ पे जमा किया जाता है अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अकाउंट वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ लिमिटेड पीरियड ऑफर, यानी एक ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको यहाँ पे 0% कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड IPO NFOS, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 0% कमीशन लगने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 20% पर ऑर्डर एंड इक्विटी FO कम्युनिटी एंड करेंसी, तो आपको यहाँ पे भी जो है छूट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है फ्यूचर एंड ओपनिंग ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉमिनी नाम ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप हो सकता है कि आप अपना नॉमिनी नाम बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड लेटर के ऊपर क्लिक करके आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल स्टेप यहाँ पे आ जाता है, जो कि यहाँ पे वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू आपका एप्लीकेशन यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे जो साइन इन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नाम आ जाएगा, ठीक है। NSDL के पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे जो है इस डिक्लेरेशन को दे देना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे जो है टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड का नंबर या तो अपना वर्चुअल आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे यहाँ पे एक OTP सेंड किया जाएगा, तो OTP को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में हो सकता है कि OTP नहीं आया है तो आप यहाँ पे दोबारा से ट्राई करके OTP मंगवाएंगे। अगर आपके मोबाइल में OTP आ जाता है तो यहाँ पे OTP डालेंगे। जैसे कि मेरे मोबाइल में OTP आ चुका है तो यहाँ पे मैं OTP को फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। OTP फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऊपर
क्लिक करेंगे। अगर आपका ओटीपी यहाँ पे मैच कर लेता है, यानी जो भी ओटीपी आया है वो यहाँ पे सही हो जाता है, तो आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं जो है क्लिक है टू डाउनलोड योर साइनिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है डीमैट अकाउंट ओपन होने के लिए आपको 3 से 4 दिन यहाँ पे आपको समय लगेगा, जो कि यहाँ पे अप स्टॉक की तरफ से आपका यहाँ पे जो अकाउंट जो भी आपने डाला वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, अगर वो सारा कुछ सही हो जाता तो आपकी ईमेल एड्रेस पे जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है उस पे यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर का जो भी यहाँ पे जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स यूजली टेक 3 and 4 days फॉर द रेगुलर टू वेरीफाई टू एक्टिवेट द अकाउंट विल कीप यू अपडेटेड वियर SMS नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी इसमें से कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा और आपके ईमेल पे भी मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्यू और कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रिव्यू में आ चुका है, अंडर रिव्यू में है आपका एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे 3 से 4 दिन वेट कर लेना है। अगर आपका इसके बावजूद भी नहीं होता तो मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करके आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन उसका दे दूंगा कैसे आगे क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो आप इस प्रकार से अपना डीमैट अकाउंट अप स्टॉक में ओपन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी मुझसे पूछना है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। इंस्टा का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है वो यहीं से फॉलो करना ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। ठीक है, और दोस्तों हो सके तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपका ही छोटे भाई का चैनल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।